कस्बा बहादुरगढ़ में एक युवक की लाश मिलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए थाना सदर इंचार्ज राजदीप बाजवा ने बताया कि ऋषभ नामक युवक, जो कि अपने परिवार का इकलौता बेटा था और बहादुरगढ़ में ही मोबाइलों की दुकान चलाता था, उसके परिवारक मेंबरों द्वारा 3 दिन पहले गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। जांच के दौरान आज 3 दिन बाद एक बंद पड़े पेट्रोल पंप में से ऋषभ की लाश बरामद हुई है। शुरुआती जांच में ऋषभ के शरीर पर तेज धार हथियारों के निशान पाए गए थे। श्री बाजवा ने बताया कि जांच के दौरान गुरसेवक सिंह लाडी को कत्ल के केस में नामजद किया गया है, क्योंकि उक्त दोषी की मोबाइल लोकेशन तथा लास्ट कॉल भी सामने आई है और इन दोनों में कुछ पैसे का लेन देन भी था। फिलहाल गुरसेवक लाडी फरार है। श्री बाजवा ने बताया कि उन्होंने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। आजाद टीवी न्यूज के लिए पटियाला से राकेश जिंदल की रिपोर्ट। जी लड़का सीगा ऋषभ अर्बन स्टेट का रहने वाला सीगा, ये संबंध च कल साडे कोल एक मिसिंग कंप्लेंट आई सी, जिहदे आधार ते मुकदमा नंबर 206 अंडर सैक्शन 346 थाना सदर पटियाला विखे दर्ज रजिस्टर किया गया सी, जिहदे विच अज जिहड़ी उहदी डेड बॉडी है वह बहादुरगढ़ नेड़े खाली पे पंप तो बरामद की गई है। तो उहदे ते तेज धार हथियार नाल जिहड़ा गुरसेवक सिंह एलियस लाडी है बहादुरगढ़ दा ही रहने वाला, उहदे वल्लों जिहड़ा उहदा कतल किया गया, दोषी फरार है जी, जल्दी उन्होंने गिरफ्तार करके। कुछ पता लग्या क्यों मर्डर क्यों किया गया? ये कोई पैसों का लैण देन सीगा जी पुराना इन्हों का, जिस संबंध में तू मैम हुई है, बाकी जो दोषी गिरफ्तार होता उस तो बाद तुम्हें जानकारी दी जाए। की काम की करता सी ये मुंडा जी? ये मुंडा जिहड़ा ऋषभ है जी, ये मोबाइलों की दुकान करता सी बहादुरगढ़ विखे। ते सर कोई बरामद होया हथियार कोई जिन्हां इन्हें बाहर? अजे तफ्तीश जारी है जी, ते साडियां रेडिंग पार्टीज गई हुई जी, जदों ही कोई गलबात सामने आई तुहाडे ध्यान।